नहीं पीसना है तो चावल के पतला घोल होता उस तरह से पीसना है। दोस्तों स्वागत है सोनू फैमिली ब्लॉग चैनल में मेरे और से प्यार भरी गुड इवनिंग दोस्तों। और दोपहर का 3 बज रहा है। अरे देखिए धूप बहुत ही ज्यादा है, अभी तक लग रहा है कि 12 बज रहा है, इतना धूप अभी है। और देखिए हम लोग कुआं तरफ आए थे। और आज की रेसिपी में क्या रहेगा तो आप सभी वीडियो में बने रहे, तो हम लोग चलते हैं घर। चलिए मम्मी देखो मम्मी बात कर लो बेटा बात करिए बोलो चलते हैं घर। क्या घर पहुंच गए? तो चलिए मम्मी अब किचन में चलते हैं। किचन में देखिए किचन पहुंच गए। देखिए हम लोग पहले हैं 5-6 घंटा पहले उड़ीद दाल को फूलने के लिए डाल दिए थे, तो उड़ीद की दाल फूल भी गया है। अब उसको धो लीजिए मम्मी। क्या पानी यहीं डाल दे रहे ना? पानी यहीं से गिरा दे रहे हैं। नली धोवा गया, अब चलते हैं लेके सिल्वर के पास। तो देखिए मम्मी सिल्वर को धो ले रही है। पूरा मेही पीसना है तो चावल के पतला घोल होता है उस तरह से पीसना है। पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा लगने लगा था तो हम लोग छाता लेके पीस रहे हैं उड़ीद दाल को। दोस्तों फाइनली पिसा गया उड़ीद दाल, अब उठा लीजिए मम्मी। अरे देखिए मम्मी छाता को कैसे दावे है गर्दन से। और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है ना इसी की वजह से। ये कितना अच्छा पीस है मम्मी, अभी उठा ले रही है। नीचे रख दीजिए छाता को। देख लीजिए दाल को डाल के आटा में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए मम्मी दाल को डाल दे रही है आटा में। देखिए और अच्छी तरह से मिलाइए मम्मी, आटा उड़ीद दाल को अच्छी तरह से मिला लिए। अब उसमें देखिए 1 चम्मच नमक दे दे रही है आटा में। और देखिए ये है इलायची पाउडर, पूरा डाल दीजिए मम्मी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर दे दे रहे हैं। और 1 चम्मच डालेंगे MDS पाउडर पूरा। और 1 चम्मच डालेंगे सब्जी मसाला। क्या डाला हुआ हो गया, अब मिला लीजिए अच्छी तरह से मम्मी। पहले मिला लेते हैं उसको बाद पानी से के साथ में सानेंगे। देखिए पानी आपको अपने अकॉर्डिंग डालना होगा। अब सानिए मम्मी। देखिए आटा को सान लेते हैं। ये दोस्तों फाइनली आटा साना हुआ हो गया। उधर हम आग बाल दिए थे तो आग भी धर लिया। कढ़ाई दे दीजिए मम्मी चूल्हा पे। आटा भी पूरा गूंद के ऑलरेडी तैयार कर लिए। अब कढ़ाई को दे दिए हैं गर्म होने के लिए। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया तो मम्मी तेल दे दे रही है। देखिए तेल दे दे रही है मम्मी, 1/2 कढ़ाई तेल डाल दी। देखिए मम्मी गोल गोल बना रही है और बर्तन दे दे रहे हैं। बर्तन के साथ में हम लोग बेल। अरे देखिए एगो पूरी बेला के ऑलरेडी तैयार हो गया। अब रख लीजिए मम्मी गमला में। तो इसी तरह सभी पूरी को बेल लेते हैं। अरे देखिए मुन्नू पूरी लेके बात कर रही है आप सबसे। बात करो मुन्नू। देखिए कौन कर रही है। अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ अच्छा लग रहा है। दोस्तों फाइनली मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मम्मी पूरी को डालेगी। तो पूरी डालिए मम्मी। देखिए पूरा तेल गर्म हो गया और अच्छी तरह से पूरी भी पकने लगा तेल में। देखिए किस तरह से एकदम फूल गया पूरी। देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा। और ये देखिए पूरी पक गया, अब निकाल लेते हैं। और ये देखिए दूसरा वाला पूरी फिर से दे दे रहे हैं तेल में पकने के लिए। अब निकाल लीजिए मम्मी, हमें निकाल लेते हैं।
अरे देखिए फेन से फूल गया पूरी एकदम पूरा मस्त। बोलिए मम्मी कि कितना अच्छा फूल फूल जा रहा है पूरी। अब इसी तरह से डालते जा रहे हैं पूरी को, पका लेते हैं। इधर पीलना है इतना सारा पूरी पका के, तब मिलते हैं आप सभी से दोस्तों। ये देखिए चौथा पूरी डाल दिए, अब थोड़ा थोड़ा तेल में इस तरह से करेंगे तो अच्छा सा फूल ले जाएगा पूरा चारों तरफ। देखिए कितना अच्छा फूल गया था, पलट लेते हैं। अरे देखिए तीन पीस पक गया, अभी चौथा वाला है। अरे देखिए इधर इतना सारा भी बेलना इतना बेलने बाकी बाकी है। देखिए दोस्तों सारा पूरी पका के तैयार कर लिए, और इधर मीठा चटनी बनाने के लिए टमाटर काट रहे हैं। तो देखिए तेल भी दे दिए, अब तेल गरम था पहले ही से, अब तेल को और हल्का सा गर्म होने देते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया, तो फौरन के लिए जीरा दे दे रहे हैं, थोड़ा सा जीरा फौरन डाल दे रहे हैं। अब लहसुन मिर्चा को भी डाल दे रहे हैं, खट्टा मीठा बनाएंगे। तो देखिए लहसुन मिर्चा और जीरा को अच्छी तरह से भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और टमाटर को पूरा अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे। टमाटर को पूरी अच्छी तरह से गलने देते हैं। देखिए गुड़ है, टमाटर थोड़ा सा उबल गया है, तो अब थोड़े थोड़े मसाला डाल देते हैं। देखिए हम मिर्च थोड़ा सा दे दे रहे हैं, थोड़ा सा सब्जी मसाला दे दे रहे हैं, और थोड़ा सा हल्दी दे देंगे। बस कीजिए मम्मी, अब अच्छी तरह से चलाइए, अच्छी तरह से चला लेते हैं, तो बाद में गुड़ डालेंगे। अरे देखिए मसाला पूरा अच्छी तरह से पक गया है, तब गुड़ देते रहे हैं, क्या तब गुड़ को दे दे रहे हैं। अब मिलाइए मम्मी। अरे ये देखिए दोस्तों खट्टा मीठा चटनी बनकर रेडी तैयार हो गया, अब उतार लीजिए मम्मी। ये हम टेस्ट करके आप सभी को बताते हैं कैसा बना है। अब पूरी निकालिए, बस कीजिए मम्मी। अरे मैं दोनों माँ बैठी टेस्ट करके बताते हैं आप सभी को कैसा बना है। अरे आप सभी भी आइएगा दोस्तों, और आप सभी भी आइएगा, अभी तो चटनी रखा हुआ है, आप पूरी डाल के तब टेस्ट करके बताते हैं। बहुत ही मस्त बना हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा बना है, और लग रहा है कि खाते रहें। और आशा करते हैं आप सभी के वीडियो पसंद आए होंगे, पसंद आए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक लिए बाय बाय।